नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं चंद्रपाल कुमार सुपर गिफ्ट सब्लिमेशन चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक छोटी प्रिंटिंग, छोटे इस सेटअप के लिए और छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी प्रिंटिंग है, डीटीएफ प्रिंटिंग, जिसमें होता क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको और किसी भी फैब्रिक पर, किसी भी मटेरियल पर आप प्रिंटिंग कर सकते हो और छोटा इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका बिल्कुल भी। और ये प्रिंटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, मैं ये छोटा प्रिंटर है, ये A4 साइज में एप्सन L805 ये प्रिंटर मॉडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रिंटर को हमने कन्वर्ट किया है DTF में, तो ये कन्वर्ट प्रिंटर हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आपको इसमें यूज होगा वो होगा इंक, ये DTF इंक है और ये DTF वाइट इंक है। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट रहेगा दोस्तों पाउडर के लिए, ये हॉट मेल्ट पाउडर है। और इसके बाद जो हम जिस शीट पर निकालेंगे, DTF फिल्म होती है, ये फिल्म रोल होता है, ये फिल्म से हम प्रिंट निकालेंगे। और इस सॉफ्टवेयर, इस प्रिंटर को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है और इसमें इंक भी डाला हुआ है, DTF इंक डाला हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक प्रिंटिंग का एक डेमो दिखाता हूं। और ये इसका क्लीनिंग सॉल्यूशन है DTF के लिए, जो प्रिंटर के लाइफ को सपोर्ट करता है, प्रिंटर के हेड की लाइफ को सपोर्ट करता है ये, तो इसे यूज करना होता है हमको। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं प्रोसेस की तरफ चलता हूं सीधा। तो आइए, एक सॉफ्टवेयर में मैंने डिजाइन निकाला हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये सबसे पहले इसमें जो ये सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों ये एक एक्रोरिप सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को ऑन किया हमने, ये डिजाइन इसमें हमने डाला हुआ है सॉफ्टवेयर में। तो ये देखिए, पेपर साइज ये है इसका 8x11 और इसका जो ओरिजिनल साइज ये है फाइल का, जो सॉफ्टवेयर का फाइल का साइज होता है ओरिजिनल 22.5 कुछ है। और इसका आउटपुट साइज ये है 4x5 इंच प्रिंटिंग का, तो ये यही रखना हमें। और ये यहां से हम इसको मिरर कर देते हैं, ये मिरर कर दिया हमने। और दोस्तों, ये कलर मैनेजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, 40% हमने CMYK कर रखा है और 80% वाइट कर रखा है, तो हमारे क्वालिटी इस तरह से अच्छा आएगा। और ये यहाँ पर हमको 100% वाइट रखना है अंडर, और ये ओके कर दिया हमने। अब हम इसको प्रिंट के लिए कमांड दे देते हैं। ये मूवमेंट किया इसने, फाइल ट्रांसफर हो रही है प्रिंटर के लिए। ये हमने जो कमांड दी है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए प्रिंटिंग आउटपुट निकल के आ रहा है आपके सामने। L805 प्रिंटर का ही आउटपुट है ये, और छोटे उसके लिए बहुत अच्छा है, छोटे वर्क के लिए। अब इसमें हम पाउडर सिक करेंगे, पाउडर सिक कलर्स आपके ये पूरे निकल गए हैं, तो अभी मैं इसे पाउडर सिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये मैं पाउडर लगा रहा हूँ इसमें, ये पाउडर लिया मैंने, बस ऐसे करके ही सिकर करना है मुझे, ऐसे करके पाउडर लगाना है। ये मैनुअल प्रोसेस है अपना,
ये लग गया पाउडर आपका, बस एक बार हम इसको ऐसे करके जो इसका पाउडर आए नहीं एक्स्ट्रा पाउडर है वो निकल जाएगा। ये रेडी हो गया, अब इसे हम हीट करेंगे ओवन में। तो हमारे पास ओवन नहीं है तो आप ओवन भी यूज कर सकते हो, उसमें काफी तरीके हैं। जिसके पास हीट प्रेस मशीन है वो हीट प्रेस मशीन से ही हीट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपके पास अगर जो 3D मशीन है वैक्यूम वाली, उसमें भी आप इसको हीट कर सकते हो, और आपके पास जो हीट प्रेस मशीन है उसके थ्रू भी हीट कर सकते हो। तो मेरे पास हीट प्रेस है, मैं हीट प्रेस से आपको करके दिखा देता हूँ हीट करके, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने प्रिंटिंग प्रोसेस बता दिया, अब इसकी मेंटेनेंस में आपको बता दूं, मेंटेनेंस में क्या करना है। जैसे सपोज आपने दिन भर में प्रिंट निकाल के प्रिंटर को बंद कर दिया, अब बंद करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसमें केमिकल यूज करना है हेड में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस हेड को इधर लेके आना है, इधर से हेड को इधर लेके आना है। तो वो तब होगा जब मैं उधर से पावर को ऑन करूंगा, तो हेड इधर की तरफ आएगा तो मैं इसे बंद कर दूंगा पावर को। तो अभी मैंने ये बंद करो, ये हेड को हमने रोक दिया। जैसे हेड इधर की तरफ आया तो हमने इसकी पावर ऑफ कर दी, तो जिसकी वजह से ये अपने हेड ने अपनी जो एग्जिट जगह है वो खाली कर दी। और जो ये आपको दिख रहा है, मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ, ये इसका हेड एग्जिट पॉइंट है। तो इसमें हमें केमिकल डालना है CS, तो वो मैं डाल के दिखा देता हूँ। ये CS केमिकल है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा हमने केमिकल लिया 5 ml, 5 ml में हमारा काम हो जाएगा। तो ये 5 ml केमिकल ले लिया हमने, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं 5 ml को। ये डाल दिया और वापस इस हेड को ऐसे करके हम स्लाइड कर देंगे, लॉक हो गया। और इसकी लाइफ, अब आपको अगले दिन इसको यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको ये भी बता देता हूं इसका प्रोसेस। अब अगले दिन आपको यूज करना है इसको, तो ये हेड को ऐसे पकड़ के इस तरह से हेड को हिलाना है, जिससे कि ये पिगमेंट इंक होती है, हैवी इंक होती है, तो इंक रोटेट हो जाती है। तो ये हेड को इस तरह से आपको हिलाना है, हिलाने के बाद तब आपको प्रिंटिंग प्रोसेस करना है। और ऐसे ही प्रिंटर को आपको फिर बंद करना है वर्क करके, तो केमिकल डाल के फिर इस तरह से इसे ड्रॉप कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका मेंटेनेंस रूल। तो प्रिंटिंग का मैंने बता दिया है, बाकी आपको जब आप हमसे ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे दोस्तों, तो मैं आपकी इसमें सारी जानकारी आपको देता रहूंगा। और दोस्तों एक खास बात ये कि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, इस तरह की प्रिंटिंग की जानकारी भी आपको मिलती रहे, और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं न्यू उनके भी अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं इसको हीट करके दिखा देता हूँ, DTF को जो भी हमने प्रिंट किया है, तो इसका भी आउटपुट निकल के आ जाएगा सामने। ये देखिए, मैं इसी हीट प्रेस मशीन के अंदर ही इसको इसे पाउडर को शिखर को वो कर लूंगा, सुखा लूंगा, जिससे कि प्रिंटिंग में हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ऐसे रखा मैंने और हीटर इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर दिया, तो ये 2 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट सूख जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने इसे हीट पाउडर को हीट कर दिया है, पका लिया पाउडर को हमने, और ये पक भी गया, देखो थोड़ा दिख रहा होगा आपका पका हुआ। और ये हमने टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट पर पेंट कर रहे हैं, तो ये टी शर्ट को हमने ऐसे रखा और इस पेपर को हमने ऐसे रख दिया। और इसको प्रेस कर दिया, इधर टाइमिंग 350 पर 20 सेकंड के लिए, ये टाइम हो गया। वापस ये बटन प्रेस कर दिया हमने और ये मशीन को बंद कर दिया। अब ये हमें जो निकालना है ठंडा होने के बाद निकालना है, तो इसे हम ठंडा होने का थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, ऐसे ठंडा होने का इंतजार कर लेते हैं। ये देखिए प्रिंटिंग, बस आराम आराम से निकाल दो उसको, इतनी साफ प्रिंटिंग आई है टी शर्ट पर, देखो सारे कलर इसमें दिख रहे हैं आपको, व्हाइट भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है, सारे कलर इसमें आपको दिख रहे हैं।
तो प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हो, और लाइफ की मैं आपको दिखा देता हूं, तो लाइफ में क्या कहते हैं देखो, कितने ताकत से मैं इसको खींच रहा हूं टी शर्ट को, स्ट्रेच हो गई टी शर्ट को, लेकिन प्रिंटिंग में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। ये देखिए प्रिंटिंग की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।